हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग जॉब वैकेंसी अपडेट्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे में आई हुई डायरेक्ट वैकेंसीज के बारे में, जहां पर आप इंडिया में किसी भी सिटी या फिर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। आपने वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखना है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आउट की जा चुकी हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.colori.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, वहाँ पर आप जाएंगे, अपने अकॉर्डिंगली वैकेंसीज को चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे रेलवे की आई हुई लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। उसके लिए चलते हैं हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, वहां पर स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट ये सिलेक्शन आपकी होने वाली है, किसी टाइप का कोई एग्जाम आपका इसमें नहीं होने वाला है। और एज अ फ्रेशर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है, अप्लाई आपको जरूर से करना है। अप्लाई भी सिर्फ आपको ऑनलाइन ही करना है, देख भी पा रहे हैं, मैंने मेंशन भी यहाँ पे किया हुआ है। अब चलते हैं ऑफिशियल अपडेट के ऊपर, वहाँ पर चलकर बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है। आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से है, 10th 12th ग्रेजुएट, हर कोई एलिजिबल है, हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है, जॉब लोकेशन आपके अक्रॉस इंडिया रहने वाली है। इसके लिए लास्ट डेट की बात करें 25th मई 2022 तक आपको अप्लाई करना है। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, इन्होंने मेंशन किया है, कोई अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है। अप्लाई के लिए सबसे पहले अपने आप को आप क्या करोगे, रजिस्टर करोगे। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको लॉगिन हो जाना है अपना यूजर नेम और पासवर्ड मेंशन करके, उसके बाद आपको अप्लाई करना है अपनी डिटेल्स को फिल करके, जैसे आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर देनी है। उसके बाद एज इट इज़ आपको अप्लाई कर देना है, जो जो डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें सिलेक्शन आपकी कैसे होने वाली है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, कोई एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है। आपकी इसमें क्वालिफिकेशन के मार्क्स के अकॉर्डिंगली मेरिट लगेगी, उसके हिसाब से आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है। और यहाँ पे देखिए, इन्होंने हर चीज़ मेंशन की हुई है, सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई अदर मोड नहीं है अप्लाई करने का। फी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी नहीं है, इसी के साथ एससी एसटी के मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है, सिर्फ जनरल और ओबीसी के लिए है, वो भी मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ रहने वाली हैं। इसके अलावा वैकेंसीज की बात करें, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मैकेनिक, मशीनरिस्ट, पेंटर की वैकेंसीज आउट की जा चुकी हैं। ये लास्ट में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाते हैं, ये नोटिफिकेशन का, ये अप्लाई का है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे ना, उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर करके लॉगिन करके अप्लाई कर लेना है। यहाँ से क्लिक करके नोटिफिकेशन आप रीड कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है। कोई भी आपका डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।